तो गाइस आपका हमारा सबका चहिता ललित रेस्टोरेंट आ गया है वापस, क्योंकि आज हम फाइव स्टार होटल ललित से लेकर आए हैं बटर चिकन। और हम बटर चिकन लेकर आए हैं दरियागंज रेस्टोरेंट, जो कि शार्क टैंक में फीचर हुआ था। और हम बटर चिकन लेकर आए हैं एक लोकल रेस्टोरेंट से। चलिए देखते हैं कि इस 400 वाले, 800 वाले और 1300 वाले बटर चिकन में से बेस्ट बटर चिकन कौन सा है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे 400 वाले बटर चिकन से, जो कि आया है मामा भांजा रेस्टोरेंट से और एक लोकल रेस्टोरेंट है। और हमने जोमेटो पे फिल्टर लगा दिया था बाय लो टू हाई वाला, और जो लोएस्ट हमें रेस्टोरेंट दिखा जिसमें 150 रुपए का एक क्वार्टर बटर चिकन है, वहां से हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। यहां पर हमें मिली है 10 रुपए की बटर रोटी और 150 रुपए का एक क्वार्टर ऑफ बटर चिकन। अब बटर चिकन तो भाई क्या ही रेसिपी है। और दरियागंज में, मतलब हमें शार्क टैंक में देखकर पता लगा कि दरियागंज रेस्टोरेंट ने इस रेसिपी का इजाद करा है। कई लोग बोलते हैं मोती महल ने करा है, आपको क्या लगता है किसने करा है कमेंट करके बताओ ना। ये देखिए, ये है कुछ ऐसा दिखने वाला हमारा 150 रुपए का बटर चिकन। बढ़िया लग रहा है यार ये भी शक्ल से, मेरे को तो कम ही दो, इसमें भी कुछ नहीं लग रही। ओहो, एक लेग पीस भी है, वाह भाई एक और पीस भी है, भाई साहब यार वेरी नाइस, मामा भांजा रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया। और इसके साथ हमारे पास प्याज भी है, और ये फूड कलर डाला है क्या इसमें, इतनी हरी चटनी। ये है हमारी 10 रुपए की बटर रोटी, और आप भाई जानकर हैरान होने वाले हो कि हम ललित से जो बटर रोटी लाए हैं उसका प्राइस क्या है, तो वीडियो में बने रहो। ये है 10 रुपए की बटर रोटी गोइंग विद द 150, यानी टोटल बताऊं तो 400 रुपीस का बटर चिकन, विच इज लुकिंग वेरी टेस्टी। एंड आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है गाइस, स्ट्रीट फूड या फिर फाइव स्टार, मुझे जरा कमेंट करके बताना, जितने हम ट्राई करते हैं अपना 150 रुपए का बटर चिकन। स्वाद तो है भाई, टमाटर की ग्रेवी का कुछ ज्यादा ही स्वाद आ रहा है, बटर चिकन की हल्की हल्की मिठास भी है, बट एक्स्ट्रा स्वीट भी नहीं है और एक्स्ट्रा सॉल्टी भी नहीं है, बिल्कुल ही परफेक्ट बटर चिकन लग रहा है। और अपने प्राइस को भाई बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है बटर चिकन। लेकिन अभी आपको सेटिस्फाई नहीं होना, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको दरियागंज का 850 रुपए का बटर चिकन, लेट्स गो। चलिए अब आपको दिखाते हैं दरियागंज रेस्टोरेंट, जो क्लेम करते हैं कि भाई उन्होंने ही इजाद करा था बटर चिकन की रेसिपी। और भाई एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, बटर चिकन एक्चुअली में कहा जाता है कि ये स्वीट नहीं होता, बल्कि ये होता है स्पाइसी। ये है करीब 850 का हमारा बिल बैठा था, अच्छी खासी 850 रुपए मैंने दिए हैं, तो मेरे को क्वांटिटी भी अच्छी मिली है। साथ में दो है हमारे पास रोटियां, दो कंटेनर्स, देखो मतलब 850 रुपए में इन्होंने हमें मतलब पूरा अपना कलेजा निकाल कर प्लेट में परोस दिया यार। देखो ना, चटनियां दी हैं इस कंटेनर में, दूसरा प्याज दिए हैं इस कंटेनर में, जो कि यूज होने के बाद आप घर पे सजा के भी रख सकते हो, बड़ा ही सुंदर लग रहा है यार ये, तो मेरे को इसका पॉइंट तो इनको देना पड़ेगा। ये देखो, ओए होए होए भाई फर्क है पीसेस में, मेरे ख्याल से 4 से 5 पीस है, और भाई चीज में फर्क है, देखो तो एक बार यार, ये बटर चिकन देखने में ही कुछ दमदार चीज लग रहा है और मुंह में पानी आ रहा है। ये है हमारी बटर रोटी, इसके अंदर ये भी ठीक है, प्राइस थोड़ी सी महंगी है। यहाँ पे हमारी बटर रोटी हो जाती है दो रोटी 200 रुपए की, ये 100 रुपए की एक रोटी है। ये देखो सेम आटे की ये बनी है और सेम आटे की ये बनी है, बात तो सही है। तो भाई सेम रोटी और प्राइस हो गया इसका 100 रुपए। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करते और भाई इसको टेस्ट कर लेते हैं बस फटाफट। ये देखो, आपको एक बात बताऊं, ये एक ऐसा टेस्ट है जिस तरह का बटर चिकन ना मैंने आज तक टेस्ट नहीं करा, मतलब बहुत अलग है। मतलब अभी तक हमने मीठे मीठे दौर का बटर चिकन खाया है, वो वाला जो खाया था हल्का सा मीठा हल्का स्पाइसी का मिक्सचर था, बट इसके अंदर मिठास प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे टेस्ट बड्स की बात करूं तो मेरे को तो अभी तक स्ट्रीट वाला ही ज्यादा पसंद आया है। भाई ये दरियागंज का बटर चिकन बहुत ही ओवर हाइप्ड है मेरे हिसाब से तो, और 200 करोड़ की वैल्यूएशन इन्होंने मांगी थी, मुझे तो इतना कुछ खास मजा नहीं आया। तो इनकी खाते हैं हम सौंफ और बढ़ते हैं अपने 5 स्टार के बटर चिकन की तरफ। ये है हमारा 5 स्टार होटल ललित का 1300। मेरे में एनर्जी कहां से आ जाती है इनका बटर चिकन, इनका कोई थैला दिखता ही मेरे अंदर आज क्रिटिक जाग जाता है मेरे अंदर का। इसके अंदर हमारे पास दो गंदे से दिखने वाले डब्बे हैं, एक नॉन ब्रांडेड खाली कागज से बना हुआ, गत्ते से बना हुआ डब्बा, ठीक है। ये है हमारा, ओ भाई इस बार तो ब्रेड ने और आग लगा दी भाई, इस बारी दो रोटी का प्राइस देखो 600 रुपए, 300 रुपए की एक रोटी है इस बारी, वही सेम रोटी जो मैं अभी तक 10 रुपए में खाई थी मैंने। 1245 का बटर चिकन, टोटल 1600 रुपए का आइटम है, माय गॉड भाई क्या, ओ भाई ये क्या शक्ल है। अभी तक हमने जितने देख लिए ना, सेकंड वाला एटलीस्ट टेस्ट में खास नहीं था, मैं शक्ल से सुंदर लग रहा था, लेकिन क्या पता ये शक्ल से सुंदर ना हो लेकिन टेस्ट में बढ़िया हो। ये हमने निकाल ली थोड़ी सी ग्रेवी, इसमें भी है भाई 5-6 पीस। भाई 300 रुपए की रोटी है, कुछ तो खास बात होगी यार, मतलब क्या पता, चिकन इज नाइस, चिकन इज गुड,
ऑल द बेस्ट टू मी। क्या दूसरी बार हिस्ट्री रचने जा रहे हैं भाई? चाहे सैंडविच में ललित ने हक दिया हो, बर्गर बनाने में ललित ने हक दिया हो, पनीर टिक्का बनाने में ललित ने हक दिया हो, लेकिन बटर चिकन बनाने में ललित होटल ने महारत हासिल कर ली। 1600 रुपए का प्राइस होने के बावजूद मेरे को तो लगा है ये एक्सेप्शनल, तीनों में से बेस्ट, कसम से बता रहा हूँ। ये हार जाता है, ये जीत जाता है, आदत हो गई नहीं बोलने की, ललित ये जीत जाता है। तो मेरे ख्याल से ललित का बटर चिकन इज वर्थ ट्राइंग, जरूर ट्राई करना। बाकी ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, कोई और सजेशन हो तो वो कमेंट करके बताना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय। भाई ये बटर चिकन तो मेरे लिए छोड़ दो भाई, आज तो आपने बोला था हम ललित वाला खाएंगे, हम ललित खा रहे हैं, मजा आ गया।